नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 2 की शिक्षक डायरी जो 3/10/2022 से 8/10/2022 तक की लिखी हुई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें तभी आप सही से समझ पाएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप उससे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देखेंगे 3/10/2022 में हमें क्या लिखना है, क्योंकि हमारा साप्ताहिक शिक्षक संदर्श का एवं कार्य पुस्तिका के अनुसार ये सप्ताह रहेगा आपका 10। पिछले सप्ताह में हमने हिंदी भाषा में आकलन किया था, शाब्दिक आकलन, जिसमें हमने दो समूह बनाए थे, समूह 1 समूह 2। समूह 1 पे हमें अधिक से अधिक कार्य करके जो बच्चे हमारे कुछ रह गए हैं वो हमें समूह 2 में लेके आना है और हम समूह 2 के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो इस शिक्षक डायरी में हम समूह 2 पे कार्य करेंगे और वो ही हमें लिखना है। समूह 1 में तो केवल रिमेडियल और अभ्यास कार्य कराना है, प्लस जो समूह 2 को कराएंगे वो भी हम समूह 1 के लिए कराएंगे कार्य। तो लिखेंगे, इसका PDF आपको चाहिए शिक्षक डायरी का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इसका PDF भी मिल जाएगा। और जो इस सप्ताह की जो साप्ताहिक शिक्षक संदर्श का एवं कार्य पुस्तिका की PDF है वो भी आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देखते हैं 3/10/2022 में हमें क्या लिखना है। सर्वप्रथम मौखिक भाषा में देखेंगे तो कविता पोस्टर चीटी पर कार्य कराना रहेगा। इसके बाद समूह 1 में रेमेडियल अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और डिकोडिंग में देखेंगे तो हा वर्ण की पहचान पर कार्य करेंगे। इसका लेखन हमारा रहेगा कार्य पुस्तिका के पाठ संख्या 58 पर कार्य करेंगे। सहज से पठन कार्य रहेगा, तो सहज 2 से पाठ 1 साइकिल पर कार्य कराना रहेगा। मध्याह्न भोजन, उसके बाद देखेंगे गणित में शिक्षण योजना गतिविधियाँ। यहाँ जो शिक्षण योजना 1 है 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की तुलना कर सकेंगे। और अभ्यास कार्य पत्र 01 पर कार्य कराना रहेगा। अब आता है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी में हम लेट्स से जो पाठ है उसमें स्मॉल लेटर में A से लेकर Z तक लिखने का अभ्यास बच्चों को कराएंगे। इसके बाद सह पाठ्यक्रम हम देखेंगे खेल रहेगा हमारा रेलगाड़ी। इसके बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यह हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। इसके बाद हमारा 4 व 5 अक्टूबर के लिए रहेगा अवकाश। तो हमें क्या करना है, 4 व 5 का जो कार्य है वो हम 6 अक्टूबर के लिए करा सकते हैं, अन्यथा आप उसी के अनुसार आगे के लिए दिन बढ़ा सकते हैं। जो हमारा 22 सप्ताह का कार्यक्रम है वो वर्किंग डे के हिसाब से कार्यक्रम है, ना कि सप्ताह के हिसाब से। लेकिन हमने जो हमारा 4 और 5 का कार्य था वो इसी 6/10/2022 में ही लगा दिया है, इसी के अनुसार कार्य किया है और उसी के अनुसार शिक्षक डायरी भी भरी है। तो देख लेते हैं, मौखिक भाषा में सहज 2 से पाठ 10 गुड़िया की बिल्ली पर कार्य कराना रहेगा। इसके बाद समूह 1 में रेमेडियल अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और डिकोडिंग में देखेंगे तो हा गा आ या वर्ण पहचान पर कार्य करेंगे। कार्य पुस्तिका में हम देखेंगे तो पाठ 59, 60, 61 पर कार्य करेंगे। सहज 2 से स्वतंत्र पठन में बच्चे पाठ 2 कौए की भूख कहानी पढ़ेंगे। अब आता है मध्याह्न भोजन, उसके बाद गणित में देखेंगे तो आज की जो शिक्षण योजनाएं हैं तीनों शिक्षण योजनाएं ले सकते हैं, पुनरावृत्ति करा सकते हैं समीकरण के अनुसार। और इसके बाद अभ्यास कार्य पत्र भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 या फिर मैंने सीख लिया पर कार्य करेंगे। अंग्रेजी में देखेंगे तो स्मॉल लेटर A से लेकर Z तक लिखने का अभ्यास कार्य करेंगे। और सह पाठ्यक्रम देखेंगे तो खेल रहेगा खो खो। अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यह हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डे 7/10/2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखना है। सर्वप्रथम मौखिक भाषा में देखेंगे तो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाना रहेगा। समूह 1 में रेमेडियल अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और डिकोडिंग में देखेंगे तो हा गा आ या वर्ण की पहचान पर पुनरावृत्ति कार्य कराएंगे। लेखन में कार्य पुस्तिका के पाठ संख्या 62 पर कार्य करेंगे। स्वतंत्र पठन में देखेंगे पुस्तकालय कॉर्नर से चित्रात्मक कहानी बच्चे देखेंगे। मध्याह्न भोजन, उसके बाद गणित में देखेंगे तो अभ्यास गतिविधियाँ समेकन और रेमेडियल पर कार्य करेंगे। इसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति रहेगी। और अंग्रेजी में हम देखेंगे तो स्मॉल लेटर में A से लेकर Z तक छात्र लिखने व बोलने का अभ्यास कार्य करेंगे। अब आता है हमारा सह पाठ्यक्रम, तो यहाँ बच्चों से आज गीत कहानी कविता सुनेंगे। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन नहीं हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं सप्ताह के लास्ट दिन 8/10/2022 में देखते हैं क्या करना है। मौखिक भाषा में देखेंगे तो स्थानीय कहानी का वाचन करेंगे, कोई भी आप स्थानीय कहानी ले सकते हैं। इसके बाद समूह 1 में रेमेडियल अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और डिकोडिंग में देखेंगे तो आकलन और रेमेडियल कार्य करेंगे, दोनों समूह में करेंगे। कार्य पुस्तिका के पाठ और मैंने सीख लिया पर
व गृह कार्य देना रहेगा। पुस्तकालय कॉर्नर से आज बच्चे चित्रात्मक कहानी देखेंगे, मध्याह्न भोजन, उसके बाद गणित में देखेंगे तो समेकन और रिमेडियल पर कार्य करेंगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर भी कार्य करेंगे और बच्चों को गृह कार्य भी देंगे। अंग्रेजी में देखेंगे तो लेट से स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक छात्र लिखने व बोलने का अभ्यास कार्य करेंगे। सह पाठ्यक्रम में हम देखेंगे गीत कहानी कविता बच्चों से सुन सकते हैं या पर यहाँ पर चित्रकारी भी करा सकते हैं। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत नहीं हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। तो ये थी कक्षा 2 की शिक्षक डायरी इस सप्ताह की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।